Hello my beautiful people, welcome back to my channel and I am Yashita Garg and if you are new to my channel, kindly subscribe it. So this video is all about a Symbiosis Tulip Hostel room tour. To be honest, I am here from last 2 weeks, 2 to 3 weeks, and I feel like this is the most appropriate, convenient stay for your Symbiosis Law College. Because hostel is inside the campus of the college and it is so easily accessible that you can reach your class like easily in 5 minutes. So I'll just suggest you to if you're a fresher, if you're new coming to a hostel, or if you're a 5-year law student, if you're a LLM student, or if you're a 3-year student, I would highly recommend that you prefer a tulip hostel rather than a daisy hostel or an orchid, or rather than opting for a PG or any flat. Because यहाँ पे आपको हाइजीन की कोई इश्यू नहीं होगी, आपको डेली स्टाफ आपका रूम एंड आपका वॉशरूम क्लीन करते हैं. नेक्स्ट थिंग, मेस का खाना इज टू गुड, लाइक क्वालिटी इज लाइक A1 क्वालिटी दे गिव. एंड लॉन्ड्री सर्विस इज देयर ऑन एवरी फ्लोर. दे हैव अ वाटर कूलर, ओवन, इंडक्शन एंड a fridge. Okay, so they so okay, without any wasting time, we'll just get into the video. And already I'm sitting in my room ekdam chaka chak hai aaj, because mere roommates already aa chuke hain, but maine unse request karke kaha hai ki please thoda room saaf kar dijiye, because I need to make a vlog for my audience over there. Video ko pura dekhna, and if you like this video, do like the video and comment on this video. If you have any queries, like I'll be the happiest one to resolve them. And do subscribe. So hi guys, so अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल के कॉरिडोर में, एंड अभी बज रहा है रात के 11:30. सब लोग अपने रूम में जा चुके हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, इट्स फाइन, इट्स अ हॉस्टल लाइफ. सो दैट्स अ नेक्स्ट कॉरिडोर, हियर देयर इज अ लिफ्ट. ठीक है, मैं आपको हॉस्टल का अलग से टूर दूंगी, बट इट्स अ बेसिकली रूम टूर, तो हम रूम में चलेंगे. बेसिकली यहाँ कैरम खेलने के लिए है, वहाँ टेबल टेनिस है, एक और कैरम है, और यहाँ बैठने के लिए जगह, एंड वी हैव अ कॉमन एरिया फॉर टीम. ठीक है, okay, now we are walking towards our room. Let's go. This is the room number 119 and this is 106. Let's go. ये होटल से कम नहीं है मेरे लिए, हॉस्टल तो कहीं से नहीं दिखता. ये 120, mine is 121. So let's go over there. So all open, 121. Let's go inside. This is the main entrance, जहाँ से हमने enter किया है. उसके ही left side में आते ही हमारे पास हमारे switch board हैं, जो कि fan का है, light का है, and this is a plug over there. ठीक है, next हम आते हैं, this is a basically a shoe rack, जिसमें कि आपको 3 rack मिलेंगे, A, B and C. C one is mine, A and B मेरे roommates के हैं, pretty spacious. एंड हाँ, इसमें 4 से 5 जोड़े आराम से आ सकते हैं. मेरे इसमें 3 जूते रखे हैं, 2 स्लीपर्स रखे हैं, तो हाँ, सो दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट एंड स्पेशियस. ओके, सो वी हैव 3 beds, इट इज़ अ 3 sharing रूम, एंड दिस इज अ फर्स्ट बेड, दिस इज अ सेकेंड, दिस इज अ थर्ड. ए बी सी, ए स्टडी टेबल, बी स्टडी टेबल, सी स्टडी टेबल, एंड सेम हियर, ए वाटर ड्रॉप, बी वाटर ड्रॉप एंड सी वाटर ड्रॉप. Okay. मेरी ये वाली जो रूममेट है, ये अपने होम टाउन गई है फॉर सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन. सो मैंने अपनी रूममेट्स को बहुत रिक्वेस्ट करके ये रूम इतना साफ करवाया है. ठीक है, सो आई गेट बैक टू दिस. सो अगर आप एज अ फ्रेशर एक सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज में आ रहे हैं, तो बेसिकली ट्यूलिप हॉस्टल का रूम टूर है, और ट्यूलिप हॉस्टल एक बहुत
अच्छा हॉस्टल है, आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू टेक ट्रिपल शेयरिंग। टू शेयरिंग भी इतना ही है बेसिकली, ये वाला बेड रहेगा, ये वाला बेड रहेगा, स्टडी टेबल वहां रहेगी, स्टडी टेबल वहां रहेगी, यहाँ बीच में बस ये बेड हट जाएगा, एक शू रैक यहाँ पे आ जाएगी जो कि यहाँ पे है। एंड इसमें आपको डबल डबल डोर्स के आपको वाटर ऑफ मिल जाएंगे जो कि भी सिंगल डोर के है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैंने आपको बता दिया है शू रैक है, ये बेड है, एंड बेड के नीचे स्टोरेज नहीं है, सो बट आपको स्पेस दिया गया है, अपना सूटकेस वगैरह उसमें डाल के रख सकते हैं। अब ये मेरी एक रूममेट का फुल सेट बन गया, मतलब फुल है ये चीज। दिस इज फॉर बी, बी वाला एरिया का है, दिस फॉर सी, सी इज माइन, दिस इज द रूम कीज। इसमें ये डोर की है ये वाले, एंड दिस इज द अलमीरा की, एंड एक अंदर की जो अलग लॉकर है उसकी की है, ठीक है। सो ओके, हमारे मैंने आपको बताया कि इसके नीचे आराम स्टोरेज रख सकते हैं। दिस इज द बेड, बेड आपको ऐसे मेट्रेसेस यहाँ मिलेंगे ऑलरेडी, आपको बस पिलो लाना पड़ेगा बिकॉज पिलो ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अभी इन्होंने बंद करा है, एंड ठीक है। और हमारा बहुत ह्यूज बालकनी भी वहाँ उधर है, यहाँ बहुत ह्यूज एकदम विंडो दे रखी है वेंटिलेशन के लिए, तो मैंने पर्दे भी हटा रखे हैं, पर्दे बंद हो जाते हैं क्योंकि रात को ठंडा हो जाता है, इस वजह से पर्दे मैं बंद कर देती हूँ, बट अब ही हटा रखते हैं, वेंटिलेशन अच्छा खासा रहता है। और ये नॉन एसी रूम्स हैं, नॉन एसी रूम्स में बिकॉज यू आर इन पुणे, सो पुणे में आई गेस आपको अभी लाइक इट्स अगस्त, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है एसी की, बट हाँ जब रिक्वायरमेंट होगी तब आप कूलर ला सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज माई डेस्क, इन माई डेस्क दैट इज अ लैपटॉप केप्ट ओवर देयर, दैट इज अ बिस्लेरी की छोटी वाली बॉटल। ये मेरा नया लैपटॉप कल आया है, इसके अनबॉक्सिंग वीडियो अगर चाहिए होगी आई विल गिव यू। सो आई, दैट इज माई ब्रदर्स लैपटॉप बेसिकली, सो आई हैव टू ट्रांसफर द स्टफ टू अ न्यू लैपटॉप। यहाँ पर बहुत स्पेशियस जगह, अपने बुक्स एंड अपना सामान रख सकते हैं वहाँ पे। नाउ कमिंग टू द डेस्क, डेस्क में आपको एक लैंड पोर्ट दिया गया है जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन भी कर सकते हैं। दो प्लग्स दे रखे हैं जो कि बेड के भी पास हैं, अगर आप एक्सटेंशन लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं है, आप टेबल पे काम कर सकते हैं। फ़ोन एक तरफ फ़ोन की चार्जिंग हो गई, एक तरफ आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। एंड दिस दिस इज द स्पेस फॉर लाइक यू कैन स्टिक योर स्टिकी नोट्स ओवर हियर और द स्टडी मटेरियल, जिससे कि आप अगर यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी आंखों के सामने रहे आपके स्टिकी नोट्स, एंड आप जाते फिरते देखते जाएंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं, जब आंखों के सामने चीज़ रहती हैं तो आप उसे थोड़ा जल्दी रिकोगनाइज कर पाते हैं। देन ऑलरेडी आई शोड यू द टू प्लग्स ओवर हियर एंड लैंड पोर्ट, नाउ वी हैव लाइक अ वन ड्रॉअर ओवर हियर एंड द सेकेंड ओवर हियर, जो कि बहुत बड़ी है, बहुत सामान रख सकते हैं। प्लीज़ काइंडली डोंट जज, बहुत मेस्ड अप है लेकिन बहुत सॉफ्ट भी है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें स्पाइरल नोटबुक रखी है मेरा, अब तक मैंने अपना स्टेशनरी सामान नहीं खोला है, वो रखा है। नेक्स्ट वी हैव अगेन टू कंपार्टमेंट्स ओवर हियर, जिसमें कि सामान अब तक लगा ही नहीं, ज़्यादा सामान मेरा बैग में ही है जो वहाँ पड़ा है। ओके, गुड ऑरेंज चेयर, इसलिए रूम ना बहुत वाइब्रेंट बिकॉज इसलिए है क्योंकि आपके जो कलर्स है ना वो बहुत वाइब्रेंट है। वी चूज अ वाइट एंड अ शेड ऑफ लाइक वॉट वुड कलर एंड अ ऑरेंज, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम पे। ओके, मैंने आज ही अलमीरा साफ करी है, तो थैंक यू इस वीडियो के लिए फॉर मी, ठीक है। सो ऊपर कंपार्टमेंट है, नीचे ये हैंगिंग के लिए है, ये ड्रॉर है जो आप अपना मतलब कीमती सामान रख सकते हैं, ये एक और कंपार्टमेंट, ये एक और। तो यहाँ ऑलरेडी सारे हैंगर में कपड़े लगे हुए हैं, बहुत साफ़ है ना मेरी, थैंक यू, अपना आपको थैंक यू बोल रही हूँ। यहाँ कपड़े रखे हैं, नवरत्न वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ टॉवल्स वगैरह रखे हैं, वहाँ रात का राशन पानी रखा है, रात का राशन पानी हॉस्टल का अलग होता है तो वो यहाँ रखा है, ठीक है। दीज बोथ आर माई रूममेट्स कवर्ड ए एंड बी, हियर वी हैव अ गुड बालकनी, हाँ जहाँ हम कपड़े सुखा सकते हैं, और ये पूरी बिल्डिंग की बालकनी है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ धूप नहीं आती तो कपड़े बहुत कम सूखते हैं। सो आई सजेस्ट टू गेट अ ड्रायर फॉर योर सेल्फ बिकॉज वॉशिंग मशीन भी ये लोग नहीं देते हैं, इसलिए ऑलरेडी सारे कपड़े यहाँ सूख रहे हैं। यहाँ पे फोर, आई विल शो यू, यहाँ पे फोर ऐसा हुक्स दिए हुए हैं, जिसे आप हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएंगे,
चार डंडे एंड आपको हटा के उनमें कपड़े डाल के इसे खींच के दोबारा लगाएंगे तो इट विल गेट अप. ओके सो यस, रात को वीडियो शूट हो रही है तो अंधेरा एकदम सन्नाटा हो रहा है. तो चलते हैं. ये देखिए यहाँ से ऐसे बालकनी है बड़ी सी. सो या इट्स अ प्रीटी गुड बालकनी. ठीक है, लाइट बंद. ओके एज वी मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू हियर, सो यू कैन फाइंड अ डस्टबिन ओवर हियर एंड ये स्पेस में भी एक और डस्टबिन अगर वो भर जाए तो. और यहाँ दे दिखाऊँ फिटिंग वगैरह का एरिया है. यहाँ पे एक वॉश मशीन है, मेरे रूममेट्स के ब्रश कंप्लीनर डिटॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टाफ. यहाँ पे एक बड़ा मिरर है जो कि आपको मिलेगा. लाइक इस रूम में दो मिरर है, एक ये वाला मिरर है एंड एक ये फुल बड़ा मिरर है जिसमें कि आप एक टीवी वाला वो ले. वॉशरूम आई शुड शो यू. हाँ, वॉशरूम बहुत बेसिक होता है सो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी. सो दिस इज अ वॉशरूम बेसिकली. एक और सॉरी, तीन शीशे हैं. ये हमारा तीसरा शीशा है. ये अगेन वॉश मशीन. ठीक है, यहाँ हमें तीन बाल्टी दी गई है, एक दो तीन. एक छोटी बाल्टी, एक मग, दो मग ऑलरेडी बाहर है. यहाँ बेसिकली ए वालों का, बी वालों का, सी वालों का. तो सी वालों का सबसे ऊपर जो मैं हुआ रखा है. अभी विंडो, शावर, गर्म पानी और ठंडा पानी की कोई दिक्कत नहीं है. अगेन अ बिग वाइपर. आई विल से लाइक ना, मतलब एक इंडिविजुअल एज अ हॉस्टेलियर अगर आप आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आपको पूरे रूम में एंड पूरे कॉरिडोर, पूरे हॉस्टल, पूरे कॉलेज में अच्छा खासा नेटवर्क मिलेगा, वाईफाई नेटवर्क मिलेगा. बट जैसे ही आप अपने रूम्स में आ जाएंगे, लुक एट द सिग्नल योर फॉर योर सिम कार्ड. ये जियो है, ये एयरटेल है. देखो कितने कितने डंडे आ रहे थे. मतलब बेयरली आप फ़ोन कर सकते हो या फ़ोन आ सकता है. सो आप हमेशा लॉग इन करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट आईडी पे, जो कि आपसे मिलती है. एंड उससे आप एकदम टकाटक नेट चला सकते हैं, बहुत बढ़िया नेट चला सकते हैं. सो एंड हाँ, ये भी आप यूज़ कर सकते हो. ऊपर वाले स्पेसेस अभी तक मैंने यूज़ नहीं करे. यहाँ अपने आप सूट केसेस, जो यूज बैग नहीं होते हैं वो रख सकते हैं. और यहाँ पूरा मैंने आपको दिखा दिया है कि स्टडी टेबल कैसी है और ये चेयर एंड प्लग पॉइंट्स. अभी ये रात हो रही है, ठंडा हो जाएगा तो मैं सारा शट करके आराम से कोजी वाले रूम में सोऊंगी. पंखा भी बंद कर रखा है, ठंडा थोड़ा ज़्यादा हो गया है इस वजह से. सो यस गाइस, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरीज लाइक एनी अबाउट हॉस्टल मेस और द कॉलेज. आई नो आप फ्रेशर हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एज अ फ्रेशर जब मैं आई थी मुझे यूट्यूब पे सिम्बायसिस लॉ कॉलेज के बारे में, पुणे बेसिकली पुणे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी. आप बहुत दूर से आते हो तो वी नीड अ समथिंग जिससे कि हम क्लैरिफाई कर सकें, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है. अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है. सो ये था हमारा सिम्बायसिस का ट्यूलिप हॉस्टल का रूम टूर. एंड आने वाली वीडियो में आगे आपको मेस का खाने का टूर भी मिल सकता है, लाइक मेस टूर भी मिल सकता है. एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ कैंपस टूर ऑल्सो. सो लाइक प्राइवेट शेयरिंग रूम एंड जो कि बहुत कन्वीनियंट एंड अच्छा था. सेकेंड शेयरिंग में भी सेम है, जैसे आपको बताया कि वहाँ से बस सेकेंड बेड हट जाएगा, ओनली बस वहाँ पे शू रैक आ जाएगी. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड लाइक वेरी अप्रोप्रिएट कि आप थर्ड थ्री शेयरिंग वाला लें. थ्री शेयरिंग वाला अच्छा खासा बड़ा स्क्वायर में, बड़ा एरिया में आपको रूम मिलेगा. एंड आई गेस कभी आपको प्रॉब्लम बस ये हो सकती है कि अगर आपकी और आपके रूममेट की क्लास एक टाइम पे वो क्लैश हो रही हो तो यू कैन गेट अ बिट लेट और व्हाट दैट यू कैन मैनेज बाय विचिंग अ लिटिल अर्ली. ऑल दैट आई वांट टू से. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल अगेन, प्लीज लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपने एंड तक देखी है. कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड कीप पेशेंस. ओके बाय.